हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूकंप, ज्वालामुखी, मिट्टी, सैल और स्थलाकृति और अपवाह तंत्र के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं घटना चक्र बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है घटना चक्र। एक बार उस प्लेलिस्ट को जा करके देखिएगा, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो SSC के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं और उनके राइट आंसर हैं। तो अगर आपके पास टाइम काफ़ी कम है, आप चाहते हैं कि ठीक है कम समय पर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा जो भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम है SSC का, रेलवे का, बैंकिंग का या फिर अदर PCS की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, समय काफ़ी कम होगा तो आपको केवल फोकस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर। तो बस एक छोटी सी मुहिम, एक छोटा सा प्रयास इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूँ और मैं भी खुद भी प्रयास कर रहा हूँ आपको पूरा समझाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप और इस ज्वालामुखी। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ज्वालामुखी के कप को या जो उसका कप होता है उसका जो आकार होता है, आकार का जो मुख होता है उसे क्या कहते हैं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी, इसमें देख रहे हैं आप वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का टॉप का जो ये पॉइंट है इसे क्या कहते हैं वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका इसे जो कहते हैं वो कहते हैं हम लोग क्रेटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्रेटर, ये याद रखिएगा। और इसके साथ में आपको एक चीज और बोलना चाहूँगा, देखिए आप ना अदर ऑप्शन ABD पर फोकस मत करना। पेन डाउन कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना और उसका राइट आंसर लिखना बस। और अगर आपके पास ये बुक है तो आप वो बुक को लेकर के बैठिए और उसमें अपने ये राइट आंसर लगाइए, क्योंकि अगर आप सामने वीडियो देख रहे हैं और साथ में बुक भी लेके बैठे हुए हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अगर बुक नहीं है और आपने परचेज नहीं करना है, आपने पहली बुक के ढेर लगा रखे हैं, अब आपने ठान रखा है क्या ठीक है मैं बुक परचेज नहीं करूँगा, जितनी है उससे काम चलाऊँगा, तो आप बुक परचेज नहीं करिए, कोई बात नहीं, बट आपको पेन डाउन करना पड़ेगा। तीसरा केस, अगर आपके पास बुक नहीं है, आप परचेस करने के मूड में हैं, तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस बुक का आपको एक लिंक दूंगा, आप ऑनलाइन इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपने सामने ये बुक रख करके आप उस पर टिक लगा सकते हैं राइट आंसर। वीडियो भी देखिए, अपनी बुक भी देखिए, टिक लगाइए उसमें, बहुत आसानी से बहुत लंबे समय तक आपको राइट आंसर याद रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? सिस्मोग्राफ। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कंफ्यूजन रहा, डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछ तो लिया लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे के आए उन्होंने चैलेंज करा कि ये चारों ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। अब इस केस में क्या होगा, एग्जाम तो हो गया है, एग्जाम तो कंडक्ट हो चुका है, अब नंबर कैसे मार्किंग करेगा डिपार्टमेंट। तो ऐसे केस में क्या करता है डिपार्टमेंट, जिस जिस बच्चों ने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करा होगा, चाहे गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि चारों ऑप्शन क्या है डाउटफुल है, चारों ऑप्शन क्या है गलत है, तो ऐसे केस में हर बच्चे को एक एक नंबर दिया जाता है अगर उसने अटैम्प्ट करा है तो। अगर अटैम्प्ट नहीं करा है, कोई भी ऑप्शन से टिक नहीं लगाया, तो उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके डिटेल के बारे में कि भूकंप केंद्र को भूकंप अभिकेंद्र भी कहते हैं। इसके ठीक नीचे के बिंदु को भूकंप मूल फोकस या क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भूकंप मूल नहीं है, इसमें हाइपोसेंटर ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन रहा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइपोसेंटर और भूकंप मूल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। जैसे ये आपका पॉइंट है, ठीक है,
ये पॉइंट है आपका। अब इसके बाद ये भूकंप ऊपर की ओर आया, ऊपर एक सिटी थी स्तरीय नाम की सिटी है, चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर जो स्तरीय था, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु को हम बोलेंगे उत्केंद्र। क्या बोलेंगे इसको हम, उत्केंद्र। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इसके अपोजिट नहीं, वो कुछ टाइम बाद होगा। देखिए क्वेश्चन, हाँ, जो तरंगों के प्रकार होते हैं, तरंगे कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, प्राथमिक, अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे, 1, 2, 3। तो आपको ऑप्शन जो देगा वो देगा PSL, याद रखना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड L तरंग, इसको बोलते हैं लव वेव्स, जो वो साइंटिस्ट था ये उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग करा जाता है भूकंप की तीव्रता क्या रही थी, किस स्पीड से भूकंप आया था, ठीक है। इसका विकास जो हुआ था कब हुआ था, 1930 में, कब हुआ था 1930 में। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने पीछे वाली संख्या का कितना गुणा होती है, कितना गुणा होती है, तो ये होती है 10 गुना, याद रखिए कितनी गुना, 10 गुना। ये क्वेश्चन एक्चुअली SSC सीजीएल में कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आप इसको फोकस करना, 10 गुना रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता 1930 में आविष्कार, ये लिखिए बस, केवल अपना नोट्स में केवल इतना ही लिखना है, फालतू आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, की नापे किसका एक प्रकार है, ये जो प्रकार है आपका, ये है आपका डेल्टा प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 7 की एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है क्या, ये कहलाती है सहमुख, मतलब साथ साथ भूकंप तरंगे, भूकंप रेखाएं, सह भूकंप रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विभ्रंश घाटी बनती है किससे, ये बनती है आपके दो भ्रंशों के बीच की घाटी को हम क्या बोलते हैं, विभ्रंश घाटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ था, वे थे क्या, वो थे आपका फुकुशिमा में, वो क्या था आपका फुकुशिमा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले भयंकर भूकंप एवं सुनामी ने देश के मुख्य द्वीप होन्सू को हिला दिया, लगभग कितने फीट ऊंचा ये भूकंप आया था, ये था आपका टोटल 8 फीट, कितना 8 फीट। क्वेश्चन नंबर 11, सुनामी का मुख्य रीजन क्या होता है, सुनामी जो आता है वो क्यों आता है, वो आता है आपका समुद्री सतह पर जब भूकंप आता है तब आता है सुनामी, और अंग्रेजी में टी सुनामी शब्द जो है ये है जापानी भाषा का, क्योंकि जब ये भूकंप आया था हाल फिलहाल, तो उसमें पूछा गया था टी सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, ये कौन सी भाषा का है, तो उसमें राइट ऑप्शन था आपका जापानी भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, ये होती है समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तब सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुनामी बनने का रीजन क्या होता है, सुनामी बनने का जो रीजन होता है वो होता है आपका भूकंप, क्या होता है भूकंप। क्वेश्चन नंबर 14, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है, ये कहते हैं सुनामी। भूकंप का कारण क्या है, ये है आपका भूपृष्ठ में विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप का कारण क्या होता है, ये है आपका टेक्टोनिज्म, मतलब भूकंप क्यों आता है, नीचे की जो प्लेट्स होती है वो आपस में टकराती हैं तब उसमें कंपन स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं भूकंप। क्वेश्चन नंबर 17, विषम पद, काफ़ी ऑड पद जो है वो छाटी है, देखिए सुनामी, भूकंप, चक्रवात, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से संबंधित है और ये कहीं ना कहीं एक लहरों में काउंट होता है, लेकिन पवन चक्की इसमें से अलग है। देखिए क्या होता है, सुनामी, भूकंप, चक्रवात, ये क्या होती हैं, प्राकृतिक क्या होती हैं, आपदाएँ होती हैं, मुसीबत होती हैं, ठीक है, जबकि पवन चक्की हवा से ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाने वाला एक यंत्र का नाम है, ये एक यंत्र है और बाकी सब क्या है, नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से विषम पद बताइए, तो यह है आपका असीतास्म। देखिए उपयुक्त जो क्वेश्चन में पन्ना, रूबी, नीलम, ये सभी क्या है, BCD,
ये सभी जो है एक रत्न के नाम है, जबकि जबकि असिताज ये है ज्वालामुखी के लावे से निर्मित आग्नेय चट्टान है जो रत्न की श्रेणी में नहीं आती। ये जो आपका ऑप्शन ए था, ये था आपका चट्टान, बाकी सब क्या है रत्न, इसलिए ये क्या है विषम पद। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है, तो ये झील बनती है ज्वालामुखी झील। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है किसमें, ये पाई जाती है हवाई में। ये किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है हवाई में। निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना। 2004 में इंडोनेशिया में कहां पर भूकंप आया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुमात्रा। क्या, सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ज्वालामुखी माउंट गम कोनोरा हल मोहेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में, उस देश का नाम बताओ, उस देश का नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है इसका, इंडोनेशिया। अब ये सभी जो आप नीचे देख रहे हैं ये है आपका वन लाइनर जीके, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है और आगे पूछे जाने की भी संभावना इसकी बहुत अधिक है। चलिए पढ़ते हैं इसको, कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल स्लाडो है, ठीक है, सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी का नाम बताइए, इसका नाम है ये। और हालांकि कुछ लोग इसको कोटोपैक्सी को सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं, आपके पास ऑप्शन में ये रहेगा या ये रहेगा कोटोपैक्सी, आपको राइट आंसर लगा के आना है। सागर तट की ओर जाने वाली तरंगों को क्या बोलते हैं, भूकंप सिंधु, इसको बोलते हैं सुनामी। परी प्रशांत कटिबंध को ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि पैसिफिक के चारों ओर क्या है, ज्वालामुखी पट्टी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव वॉल्केनो प्रशांत महासागरीय तटीय भागों में ज्यादा स्थित है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के बारे में, मिट्टी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, क्या, इसको बोलते हैं मृदीय कारक। मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो भूमि का जो कारक होता है वो सबसे बड़ा कारक होता है वो होती है मिट्टी। अगर मिट्टी होगी तो भूमि बनेगी, अगर मिट्टी नहीं होगी तो क्या बनेगा, वो तो वो भूमि नहीं बन सकती। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है, तो काली मिट्टी काल से काली काल से कपास, इस तरह से याद करिए काल से काली काल से कपास। और मैक्सिमम जो काली मिट्टी मिलती है वो मिलती है आपको महाराष्ट्र में। और अगर वैसे बात करी जाए पूरे विश्व में कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है चीन, लेकिन इंडिया में कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रचुर कैल्शियम वाली मात्रा को क्या कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं पेडोकल, क्या बोलते हैं इसको, पेडोकल। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जानते हैं इसको, तो एक धूसर मृदा जो होती है उसका अन्य नाम क्या है, उसका नाम अन्य जो है वो है पोड सॉल्स, क्या, पोड सॉल्स। और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है शंकुधारी टैगा क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 5, धान की खेती के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो धान की खेती जो होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी में, किसमें, जलोढ़ मिट्टी में, लाल मृदा में, जो लाल मिट्टी होती है जो उसमें लाल रंग होता है किसके, आलेपन के कारण होता है, तो ये होता है आपका लोहा। अगर आपने देखा होगा जब लोहा होता है लोहे में जो जंग लग जाता है, जंग के कारण जो उसकी स्किन छूट जाती है, तो वो स्किन किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की। तो आप याद रखिएगा लाल मिट्टी मतलब लोहा, लाल मिट्टी मतलब लोहा। वह मिट्टी जो रेन के कारण मतलब वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं क्या, ए और बी, समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनियमन, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो यह है आपकी समोच्च कृषि, क्या, समोच्च कृषि। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है, यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ऐसा करा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्थानांतरित कृषि। क्या? स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपवर्धन का क्या है कारण नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे, नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं अक्षय पट्टी। क्या कहते हैं इसको? अक्षय पट्टी। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके कारण? पेड़ लगाकर और वनारोपण करके। मतलब कि पेड़ लगाने को बोलते हैं हम लोग वन को रोपण करना, रोपण मतलब दबा के किसी को मतलब उगाना। जैसे हम लोग नॉर्मली पेड़ जब लगाते हैं तो क्या करते हैं उसकी जड़ को मिट्टी में छुपा देते हैं, दबा देते हैं, तो उसको बोलते हैं वनारोपण। अब हम पढ़ते हैं फिलहाल वन लाइनर जीके के बारे में। ये आपका मखरैला मिट्टी का विकास निथरण का परिणाम है, मृदा अपरदन वनोन्मूलन तथा नदी तल का गादन बार बार बाढ़ आने का कारण है। अब बात करते हैं सैल और स्थलाकृति के बारे में, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। और मैं आपसे बच्चों अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक नोटबुक नहीं उठाई है तो अभी भी नोटबुक उठा लीजिए और नोट करिए। बुक नहीं है तो बुक को परचेज कर लेना अगर पॉसिबल हो तो, अगर बुक आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि देखिए इसमें एक्स्ट्रा बताने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर होगा तो मैं नीचे वो आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा, ठीक है। और अगेन बोलूँगा कि आपको अदर ऑप्शन पे फोकस नहीं करना है, केवल राइट आंसर पे फोकस करना है, केवल उसी को आपने 2 से 3 बार दोहराना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमसे ये कह रहा है कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित है, ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका पृथ्वी का पटल से, मतलब भूपृष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, ठीक है। देखिए वो नहीं है बोल रहा है तो एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, तो नहीं है हमको छाटना है यहाँ पर। और थोड़ा अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर नहीं को लेकर के क्वेश्चंस पूछता है तो थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो इतने स्पीड में होते हैं बच्चे कि वो नहीं है पे गौर नहीं करते हैं, वो केवल है पे गौर करते हैं कि क्या है। जैसे आप जब कुछ बच्चे बैठते हैं तो क्या सोचते हैं कि निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम है, वो ये पढ़ते हैं स्पीड में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो ऑरा होता है वो एक्चुअली बहुत अलग होता है, तो वहाँ पे बच्चे ये गलती कर जाते हैं, उनको लगेगा कि ए बी सी, वो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अच्छा हीमलुम्बी, हाँ मैंने पढ़ा था यार, अच्छा तो उसका राइट आंसर ये होगा, तो वो नहीं है पे गौर ना करते हुए वो केवल ये अपना आंसर लगा के आ जाएंगे और उनका ये नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसका स्ट्रेस आपको सेकंड क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। देखिए कहना बहुत आसान है, मैं मानता हूँ कि मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो देखिए ये कॉन्फिडेंस बनेगा आपका पढ़ने से, जब आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, और मॉक टेस्ट सॉल्व आप तब करिएगा जब आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। आपको पहले अपना बेसिक स्ट्रांग करना है, बुक को पढ़ना है, वीडियो के माध्यम से स्टडी करनी है, जहाँ से भी करनी है, लेकिन आपको पहले अपना बेस स्ट्रांग करना है, उसके बाद जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे आपके नंबर अच्छे आएंगे, और अगर इन केस कुछ ऊपर नीचे रहता भी है तो उस मॉक टेस्ट को आपको अगेन अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। बस यही फंडा है एग्जाम क्रैक करने का, बस सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखिए, उसके बाद जो आप चैनल वॉच कर रहे हैं या फिर जिस भी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, चाहे वो UCC चैनल हमारा चैनल क्यों ना हो या फिर अन्य चैनल, वो जो पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल अब अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नदी मार्ग को का सोपानी प्रोफाइल क्या है, ये है आपका ऊपरी मार्ग में निर्बाध वर्क। क्वेश्चन नंबर 4, जल निर्गम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके चूना क्षेत्र में, किसमें? चूना क्षेत्र में। किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है, कोई चट्टान होती है उसको उसी स्थान पर पूरी तरीके से ब्रेक कर देना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं अपक्षयण। क्या बोलते हैं उसको? अपक्षयण। क्वेश्चन नंबर 6, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है किस चीज का, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। क्वेश्चन नंबर 7, कायांतरण चट्टानों में एक परिवर्तित कर देता है क्या, ए और बी दोनों, संरचना और गठन। क्वेश्चन नंबर
जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? ये परिवर्तित हो जाती है निस्में, किसमें? निस्में। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेनाइट क्वार्ट जॉइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि? क्यों? क्योंकि इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पवन की अपवाहन क्रिया जिसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लो आउट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लो आउट। क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल हैं, उसका नाम क्या? उसका नाम है आपका निस और सिस्ट। क्या? निस और सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्सीडियन एंडेसाइट एंड ग्रैबो और पेरोडाइट क्या है? ये सब क्या है? ये है आपका बहिर्वर्धी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकांश भूपट्टी किस सेल से बनी है? अधिकांश जो भूमि की जो पट्टियां हैं वो सब किस सेल से बनी है? ये बनी है आपकी आग्नेय चट्टानों से। किससे? आग्नेय चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक वित्तलीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? यह है आपका ग्रेनाइट। क्या? ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 15, सेल ठीक है शैल का कायांतरण निम्न में से किस शैल में होता है? ये होता है आपका स्लेट में। किसमें? स्लेट में। क्वेश्चन नंबर 16, मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं हम लोग भूस्खलन। क्या? भूसंखलन बोलते हैं इसको, भूस्खलन बोलते हैं इसको। जो बेस्ट लगे वो बोलिए, आप टारगेट रखिए, याद करिए। क्वेश्चन नंबर 17, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण, बहुत प्यारी चट्टान का नाम है ये मशरूम। तो मशरूम चट्टान का निर्माण किसका एक उदाहरण है? तो ये है आपका अपरदन का। किसका? अपरदन का। क्वेश्चन नंबर 18, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग मेरुटीबा। क्या? मेरुटीबा मतलब ड्यून। क्वेश्चन नंबर 19, वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोधी होता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका शील्ड। क्या कहलाता है ये? शील्ड। क्वेश्चन नंबर 20, मोरेन कहाँ बनते हैं? भाई ये मोरेन होते क्या है हमें ये पता होना चाहिए पहले। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हिमानी क्षेत्र में क्या होते हैं? मोरेन बनते हैं। थोड़ा सा इसके फैक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है और इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता, ठीक है, जो हिमनद होता है वो अपने साथ में इसको बहाकर नहीं ले जा पाता, उनका निक्षेप हो जाता है, तो इसको हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को क्या बोलते हैं? हिमोड बोलते हैं, मोरेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरेनिस। तो बस एक बार इस वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर, इसको खुद अपने लाइन में 3-4 बार पढ़ के देखिए, ठीक है, आपको इसके डेफिनेशन, इसका क्या मतलब होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न भू आकृतिक युग्मों में कौन सा सही नहीं है? देखिए सही नहीं है, आपको अगेन कन्फ्यूज करना चाहता है डिपार्टमेंट SSC, तो आप नहीं है पर फोकस करना, और उसके बाद राइट आंसर होगा इसका घोल, रंध्र और वायु। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी वन लाइनर जीके के बारे में। नीलम्बी घाटी क्या होती है? साधारण रूप में हिम नदी क्षेत्रों में पाई जाती है। चूना प्रसतर चट्टाने प्राणियों की खोल अस्थि कंकाल तथा वनस्पति के भाग से बनती है। छत्रक सैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो मरुस्थलों में दिखाई देती है, और बालू कास सैल क्वार्ट जॉइट तथा ग्रेनाइट में से ग्रेनाइट आग्नेय सैल है, ठीक है, इन सब में से कौन सी जो वो है आग्नेय सेल, तो वो है आपके ग्रेनाइट। याद रखिएगा 4 ऑप्शन देगा ABCD, तो आपके सामने जो आग्नेय जो चट्टाने हैं सेल है वो क्या है? ग्रेनाइट। तो प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे तटबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तटबंध। कैसी कंडीशंस में जो प्राकृतिक बांध होते हैं और उच्च घाटी में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपवाहक तंत्र के बारे में। इसमें से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल केवल वही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो उसका सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम है आपका वोल्गा। क्या? वोल्गा। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि वोल्गा नदी जो है यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3692 किलोमीटर।
ठीक है, और जबकि जो डानूबे है, रोन है और राइन है, उसकी लंबाई दे रखी है, लेकिन हमसे बात कर रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो है वो वोल्गा। वोल्गा के साथ में आप याद करिएगा इसके लेंथ को, क्योंकि ये अदर काफ़ी सारे एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटेटिव, वहाँ पे पूछ लेता है, खासतौर पे ग्रेड डी एमटीएस के एग्जाम में और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, एसएससी के, वहाँ ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप इसको नोट भी करिएगा और याद भी करिएगा, दोनों फिगर, किलोमीटर और नदी का नाम। क्वेश्चन नंबर टू की मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पर है, तो ये है आपका ग्लेशियर में, ठीक है, ग्लेशियर में। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो उस डेल्टा का नाम क्या है, यह है आपका गंगा डेल्टा। क्या है ये? गंगा डेल्टा। यह डेल्टा भारत एवं बांग्लादेश में बहुत ही लंबी मात्रा में क्या है, फैला हुआ है। इस डेल्टा में क्या होते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और इसको बोलते हैं सुंदरवन क्षेत्र, ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र। और थोड़ा सा बात करते हैं कि गंगा डेल्टा का निर्माण जो हुआ है वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, ठीक है। गंगा डेल्टा जो बनाया गया है वो किन किन दो नदियों के द्वारा मिला हुआ है, देखिए गंगा के नाम से गंगा डेल्टा बनेगा बनेगा, लेकिन साथ में इसकी हेल्प करने वाली जो दूसरी नदी है, सहायक नदी जो है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है, ठीक है, दो बार पार करती है, उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है कांगो नदी। क्या है? कांगो नदी। देखिए अफ्रीका महाद्वीप की यह प्रसिद्ध नदी है, कांगो नदी कौन से महाद्वीप की नदी है, यह है आपकी अफ्रीका महाद्वीप की, और जो क्या करती है, भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार गुजरती है, मकर रेखा से दो बार गुजरने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। लिम्पोपो। और क्वेश्चन नंबर फोर में क्या था, कांगो नदी जो करती है भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा मकर रेखा दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, और जिसको याद है अच्छी बात है, वो नोट मत करना, और जिसे याद नहीं है वो प्लीज इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, एशिया, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, तो हमारे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या, उसका नाम है गंगा नदी। हम बोलते हैं गंगा में गोता लगा लो पाप सब धुल जाएंगे, तो समझ लीजिए गंगा नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है, बहुत लंबी नदी है, कहीं भी आपको मिल जाएगी, कहीं भी डुबकी लगा लो। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी यांग टीसी नदी, जो चीन में बहते हुए प्रशांत महासागर में जाती है, ठीक है। सॉरी, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो है यांग टीसी नदी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, सबसे बड़ी नदी बोल रहा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यांग टीसी नदी, सॉरी फॉर मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, ठीक है, ये बहती हैं आपके वलय के समान, देखो वलयाकार क्या होगा, वलय के समान बहने वाली नदी को हम क्या बोलेंगे, वलयाकार। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, तो ये है आपका कोलोरेडो नदी पर, कौन सी नदी पर, कोलोरेडो नदी पर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के में जो नदी बहती है ये कोलोरेडो नदी यहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नाइन, किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है, यह है आपका पार्श्विक अपरदन। क्या? पार्श्विक अपरदन। क्वेश्चन नंबर टेन, तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, यह है आपका महाखुंड। क्या? महाखंडू, जिसे हम बोलते हैं गॉर्ज। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है क्या, यह है आपका मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 12, द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है, यह है आपका प्रवाही जल। क्या? प्रवाही जल। अब हम बात करते हैं, देखिए वन लाइनर जीके में पूछे गए अब तक के क्वेश्चंस, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करी जाए वर्ल्ड में तो वो है नील, जबकि अपवाह की दृष्टि से देखी जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। कौन? अमेजन। करीबा बांध जोम्बेजी नदी पर स्थित है। चीन में हांग हो नदी को पीली नदी मतलब येलो रिवर बोलते हैं, ठीक है, येलो रिवर कहाँ पे बहती है, ये बहती है चीन में, ये किसका नाम है, ये है हांग हो नदी का। धूमाकृतिक शब्द नदियों के साथ जुड़ा हुआ है, पश्चिम घाट की तुलना में पूर्वी घाट का नीचे होना प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य रीजन होता है। किसी नदी की अधिकतम अपरदनकारी शक्ति का संबंध वाई आकार की घाटी से है।
अब हमको करना है सुमेल। सुमेल मतलब क्या कि सही चिन्हित हमको अंकित करना है बैंकॉक। और देखिए ये बैंकॉक वगैरह शंघाई वगैरह ये सही चिन्हित है, ये आप पूरा याद करिएगा। इसके बाद में आपको ये भी याद करना है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि रोम शहर जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोम शहर जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है, तो कौन से प्रपात, कौन सा शहर, नील नदी का स्रोत, ये सब आपको याद होना चाहिए। विक्टोरिया लेक है, नील नदी का जो स्रोत है विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया प्रपात जम्बेजी नदी पर है, रोम शहर टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे की हम वीडियो में बात करेंगे जनजाति के बारे में। आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आपकी कोई भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आपका कोई भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो आप शेयर करिए, आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और अगर आपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में अगर घटना चक्र बुक की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलता हूँ नए एक वीडियो के साथ में, लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।